हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ के इंग्लिश के प्रोज का सेकेंड लेसन, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में से शेयर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। द हाउस द ओनली वन, एकमात्र घर, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। कहने का तात्पर्य है कि इकलौता घर, एकमात्र घर संपूर्ण घाटी में, इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सैट स्थापित था, स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ लो हिल, छोटी पहाड़ी के, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर एकमात्र घर संपूर्ण घाटी में स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, एक व्यक्ति देख सकता है या कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड ऑफ द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई कॉर्न, मकई के खेत को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, फल फूलों से सजा हुआ, दैट जो एल्बेसडर प्रोमिस्ड, वादा करते थे ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। तो संपूर्ण का एक बार हिंदी रूपांतरण कर लेते हैं मित्रों। एकमात्र घर, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो छोटी पहाड़ी के चोटी पर या शीर्ष पर स्थित था, उसकी ऊंचाई से कोई भी नदियों को और पके हुए मकई के खेत को फूलों से सजा हुआ देख सकता था, दैट जो सदैव एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। आगे देखेंगे। द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी या धरती को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की, आर या तो फिर एट लॉस्ट सोवर, या फिर वर्षा के बौछारों की। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार वर्षा की, और या तो फिर एट लीस्ट सोवर, या वर्षा के फुहारों की या बौछारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, लेंचो मॉर्निंग, सुबह सुबह, थ्रू आउट बाहर निकला, कह रहा है कि सुबह सुबह लेंचो बाहर निकला, वो जो न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, अल्टीमेटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, had done nothing, उसने कुछ भी नहीं किया था, else सिवाय, but to see, देखने के, sky towards the north east, उत्तर पूर्वी आकाश की तरफ। फिर से देख लेते हैं। throughout the morning lencho, सुबह सुबह lencho बाहर निकला, वो new his field cement, Ultimately, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, had done nothing else, उसने अन्य कुछ भी नहीं किया था, but seen the sky towards the northeast, उत्तर पूर्वी आकाश के तरफ देखने के सिवाय। Now up, we are really going to get some water, woman, woman को औरत कह सकते हैं, महिला कह सकते हैं या पत्नी भी कह सकते हैं। तो कहता है कि नाउ अब वी आर रेडी गोइंग, अब वास्तव में गोइंग टू गेट, मिलने जा रहा है, अब हमें वास्तव में मिलने जा रहा है, सम वाटर, कुछ जल, कुछ पानी, महिला या पत्नी, पत्नी, अब वास्तव में हमें कुछ जल मिलने जा रहा है। द वुमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, रात का भोजन, वो महिला जो कि रात का भोजन तैयार कर रही थी, replied, उत्तर दी, yes, हाँ, God's willing, ईश्वर की यही इच्छा है। The older boys,
बड़े उम्र के जो लड़के थे वे आर वर्किंग, कार्य कर रहे थे इन द फील्ड, खेत में, बड़े उम्र के लड़के खेत में कार्य कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे लड़के थे, छोटे उम्र के, कम उम्र के लड़के थे, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, वे आर प्लेइंग मैंने खेल रहे थे, नियर द हाउस मैंने घर के नजदीक, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक जब तक कि द वुमेन मैंने वह औरत कॉल्ड मैंने बुलाई नहीं, टू देम ऑल उन सभी को, कम फॉर डिनर रात्रि भोजन के लिए आ जाओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन करने के दौरान या भोजन करने के समय, दैट जस्ट एज लंचो जैसा कि ठीक लंचो ने हैड प्रेडिक्टेड मैंने कल्पना किया था, अनुमान लगाया था, जैसा कि लंचो ने कल्पना किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स विशालकाय पर्वत और क्लाउड्स बादलों के, उत्तर पूर्व में बादलों के विशालकाय पर्वत कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए या उमड़ते हुए, द एयर वाज फ्रेश हवा बिल्कुल ताजी थी, एंड स्वीट और ठंडी थी, द मैन वेंट आउट ऑफ फॉर नो अदर रीजन, द मैन उस आदमी के वेंट आउट बाहर, वह आदमी वेंट आउट बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन जिसका कोई और अन्य कारण नहीं था, देन सिवाय टू हैव द प्लेजर प्रसन्नता को और फीलिंग्स महसूस करने के, द रेन मैंने वर्षा दी ऑन हिज बॉडी मैंने अपनी शरीर पर, एंड व्हेन जब ही रिटर्न जब वो वापस लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, तो फिर से देख लेते हैं मित्रों, आदमी बाहर निकला जिसका कोई और अन्य कारण नहीं था सिवाय अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों की प्रसन्नता को अनुभव करने का, और जब वह लौटा तो उसने कहा, दीज आर नॉट, शॉर्ट में कर दिया है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग, ये वर्षा की बूंदे नहीं गिर रही है, फ्रॉम द स्काई आकाश से, या आकाश से वर्षा की बूंदे नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे आर 10 सेंट, 10 सेंट के पीसेस में टुकड़े, एंड ऑफ द लिटिल वंस और छोटी छोटी जो बूंदे हैं आर 5, वो 5 के सेंट है, 5 सेंट्स के पीसों से, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतोषजनक या एक सुखद अनुभव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड उसने अपने खेत का निरीक्षण किया, और राइप कॉर्न मैंने पके हुए मकई के, विथ इट्स फ्लावर्स इसके फूलों के साथ, जो ड्रैप्ड इन ए कॉटन ऑफ रेन जो कि ड्रैप मैंने ढक चुके थे, और कॉटन ऑफ द रेन मैंने वर्षा की चादर से, बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक शक्तिशाली हवा बिगेन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई, एंड और अलोंग विद द रेन और वर्षा के साथ साथ, और वर्षा के साथ साथ वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बड़े बड़े वेरी लार्ज बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स पत्थर बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए, नहीं बारिश के साथ बर्फबारी होती है उसी को हेलस्टोन्स कहा गया है, बर्फबारी यानी बर्फ गिरना प्रारंभ हो गए, दिस ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस, दिस मैंने ये ट्रोली मैंने सत्यतापूर्ण तरीके से या निश्चित तौर पर डिड रिसेंबल मैंने प्रतीक थे न्यू सिल्वर कॉइंस नए चांदी के सिक्कों के, ये निश्चित तौर पर नए चांदी के सिक्कों के प्रतीक थे, द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ स्वयं को नंगा कर लिए और टू द रेन वर्षा में दौड़ पड़े, रेन आउट वर्षा में बाहर की तरफ दौड़ पड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स
कलेक्ट मैंने एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पियर्स का मतलब बर्फ के मोतियों को, फिर से देख लेते हैं, वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने प्रारंभ हो गए। यह निश्चित तौर पर नए चांदी के सिक्कों के प्रतीक थे। लड़के स्वयं को नंगा करके वर्षा में बाहर की तरफ दौड़ पड़े मोतियों, बर्फ के समान मोतियों को एकत्रित करने के। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली, यह वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है, यह वास्तव में बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने कहा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इट पासेस क्विकली, यह जल्द ही गुजर जाए, यह जल्दी ही समाप्त हो जाए, शीघ्र ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ, यह शीघ्र ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल, वह बर्फ की रेन में वर्षा, बर्फबारी, ऑन द हाउस मैंने घरों पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के किनारियों पर, द कॉर्नफील्ड मकई के खेत में, ऑन द ओल्ड वैली संपूर्ण घाटी में, द फील्ड, कहने का मतलब फिर से देख लेते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, फिर से, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल, वर्षा, वो बर्फ की बर्फबारी होती रही, ऑन हाउस घरों पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के किनारियों पर, द कॉर्नफील्ड मकई के खेत में, ऑन द ओल्ड वैली संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, खेत बिल्कुल सफेद हो चुका था, एज इफ जैसा कि कवर्ड कर दिया गया हो, इसे ढंक दिया गया हो, विद साल्ट में, नमक से, जैसा कि इसे नमक से ढंक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेनेड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल यानी मकई की जो फसल थी वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल जा चुके थे, अर्थात फूल गिर चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, में पौधों से, लेंचो सो, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से भर चुकी थी। वेन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया या तब तूफान समाप्त हो गया था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ, एंड आवर सेड, कहा टू हिज सन्स, अपने बेटों से, एक प्लेग्यू ऑफ लोकेटस, एक प्लेग ऑफ लोकेटस, एक टिड्डियों का दल या टिड्डियों का समूह भी, एक टिड्डा नहीं होता है वो जो फसल पे, फसल को चाट लेते हैं सर, तो वैसा है, ए प्लेग ऑफ लोकेटस यानी एक टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट, कुछ छोड़ देता, मुर्म ने अधिक 33 वर्ष की अपेक्षा, एक टिड्डियों का बड़ा दल भी इससे कुछ अधिक ही छोड़ देता। द हेल, वह बर्फबारी, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है, यह बर्फबारी ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास मकई नहीं होगी, अर्थात हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात वाज ए सॉरोफुल वन, एक दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, सारी मेहनत, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं लाई। देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके या कर सकता है। वी शैल ऑल, हम सभी को गो हंग्री, मैंने भूखा रहना होगा, दिस ईयर, इस साल, हम सभी को इस साल भूखा रहना होगा। बट लेकिन इन द हॉर्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव, जो रहता है, इन द सॉलिटरी हाउस, उस निर्जन घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, संपूर्ण घाटी के,
उस अकेले घर के अब फिर से देख लेते हैं, बट लेकिन इन द हॉर्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में वो लिफ्ट जो रहता है इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस संपूर्ण उस घाटी के मध्य में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट, इतना अत्यधिक उदास न हो, इवन दो प्राय दिस सीम्स योर लगता है लाइक जैसे कि ए टोटल लॉस, सब कुछ खो चुका है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, दैट इज, यह वही था व्हाट जो दे से उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट वनली, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की, हुज आई, जिसकी आंखें है, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे शिक्षा दिया गया था, जैसा कि उसे बताया गया था, किसी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन प्राय व्हाट इज डीप, क्या गहराई है, इन वंस कंसियंस, उस एक अंतरात्मा में, उस एक व्यक्ति की अंतरात्मा में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था, आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह कार्य करता था, इन द फील्ड्स, मैंने खेतों में, बट लेकिन लिस्टी, फिर भी ही नहीं, वह जानता था कि हाउ, कैसे टू राइट, मैंने लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच, जो, जिसको ही मलवा हिमसेल्फ, स्वयं उठ कैरी ले जाएगा टू टाउन, शहर में, एंड और प्लेस डालेगा इन द मेल, मैंने पोस्ट बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस में। इट वॉज नथिंग लेस, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, एक ईश्वर के नाम पत्र की अपेक्षा। गॉड ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, गॉड, भगवान, इफ, यदि यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, एंड और टू लीव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल, तब तक, जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि, या ऐसे कह सकते हैं कि ओले के कारण या बर्फबारी के कारण। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, ऑन द इनवॉल्व, उस लिफाफे पर, पुट ए लेटर इनसाइड, पत्र को लेकर ले करके, या पत्र को अंदर रख करके, एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी ट्रबल्ड था, परेशान था, वेंट टू द टाउन, शहर की तरफ चला गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर, डाकखाने पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प अर्थात एक टिकट चिपका दिया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड और ड्रॉप्ड इन इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाकखाने में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प, और सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में, वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड और सॉड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र, नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन काल में, अर्थात कार्यकाल में, सॉरी, कैरियर को कार्यकाल कहेंगे, नेवर इन हिज कैरियर, अपने कार्यकाल में उसने कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, जैसा कि डाकिये के रूप में, हैड ही नोन, वह जान पाया था, दैट एड्रेस, मनुष्य पति के बारे में,
अपने पूरे कार्यकाल में उसने इस पते के बारे में कभी नहीं जान पाया था। द पोस्टमास्टर जो पोस्टमास्टर था, पोस्ट ऑफिस का जो मालिक था, ये फैट एक मोटा एमरेबल फेलो मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत या शीघ्र ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड ऑफ टैपिंग द लेटर, पत्र के ऊपर थपथपी देते हुए ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर कमेंटेड किया, तर्क दिया। What faith? क्या विश्वास है? I wish, मैं चाहता हूँ कि I had the faith of a man, मेरे पास भी उस आदमी की तरह विश्वास होता हूँ जिसने रॉट मैंने लिखा है। This letter, मैंने इस पत्र को, starting of a correspondence, पत्राचार, पत्र व्यवहारिता शुरू किया जाए with the God, मैंने ईश्वर की तरफ से भी। So, इस प्रकार इन ऑर्डर टू सेव द राइटर्स फेथ इन द गॉड, ईश्वर में, सो इसलिए इस प्रकार इन ऑर्डर टू सेव, बनाए रखने के लिए, भले के लिए, द राइटर्स मैंने उस लेखक के फेथ में विश्वास इन द गॉड में, ईश्वर में, अर्थात उस लेखक के लेंचो के गॉड में, भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर, वो पोस्ट ऑफिस का मालिक, केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। Answer the letter, पत्र का उत्तर देने का। But लेकिन when जब he opened it, जब उसने इसे खोला, तो it was evident, ये बिल्कुल अस्पष्ट था, that कि to answer it, इसका उत्तर देने के लिए he needed something more, कुछ अधिक चीजों की आवश्यकता थी, then goodwill, सिर्फ शुभकामनाओं की अपेक्षा, ink and paper, स्याही और कागज की अपेक्षा। But लेकिन he stuck to his resolutions, लेकिन वह अपनी बातों पर अड़ा रहा, बना रहा। He asked, उसने मांग की, for, he asked for money, उसने धन के लिए कहा, for his employees, अपने कर्मचारियों से, उसने धन के लिए अपने कर्मचारियों से कहा। He himself, उसने स्वयं भी, gave part, एक हिस्सा दिया, ऑफिस सैलरी, अपनी तनख्वाह का, उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से मित्र ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड, और बहुत से मित्र ऑफ हिज मैंने उसके वेयर ऑब्लाइज्ड मैंने सहमत भी हुए, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान रूपी कार्य के लिए, एक दानशीलता के कार्य के लिए, उसके बहुत से मित्र भी कुछ देने के लिए सहमत हुए। It was impossible, यह बिल्कुल असंभव था, for him, उसके लिए, together, एकत्रित करना, together मने एक साथ, the 100 pieces मने 100 pieces, 100 pieces एक साथ एकत्रित करना उसके लिए असंभव था। So इसलिए he was able to send, वह भेज सका या भेज पाया, the farmer, उस किसान के लिए, only a little more, मात्र, a little more, थोड़ा सा अधिक, than half, मने आधा की अपेक्षा, उसने आधा से थोड़ा सा अधिक ही दे पाया, भेज पाया। He put the money, उसने धन को रखा, in the envelope, उस लिफाफे में, और address to the Lencho, Lencho का पता लिख दिया, and or with them, और उसी के साथ, a letter containing, एक पत्र भी भर दिया, only a single word, जिस पे एक मात्र शब्द लिखा गया था, as a signature, जैसा कि हस्ताक्षर के रूप में, क्या? God, भगवान। The following Sunday, अगले रविवार को, Lencho came. The following Sunday, अगले रविवार को, Lencho came a bit earlier. थोड़ा सा Lencho पहले आ गया था. Than usual, रोज की अपेक्षा. To ask, पूछने के लिए, if की, there was a letter, क्या कोई पत्र है? For him, उसके लिए, क्या उसके लिए कोई पत्र है? It was the postman himself, वह स्वयं, वही डाकिया था, who जिसने handed the letter, पत्र को हाथों में रख दिया, to him, मन उसके, while, जबकि the postmaster, जो post office का मालिक था, experiencing the contentment,
अर्थात ऑफ ए मैन माने एक आदमी के रूप में संतुष्टि का अनुभव करते हुए हु जिसने हैज परफॉर्मड माने किया था गुड डिड माने एक अच्छा कार्य भले का कार्य किया था लुक्ड माने देख रहा था ऑन फॉर ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस अपने दरवाजे अपने ऑफिस के दरवाजे से। फिर से देख लेंगे अगले संडे अगले रविवार को लंचो थोड़ा सा रोज की अपेक्षा पहले आ गया था पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसके हाथों में पत्र को रख दिया वाइल जबकि जो पोस्ट ऑफिस का मालिक था एक अच्छा कार्य जिसने एक अच्छा कार्य किया था उसके लिए वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था और अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज लेंचो ने शॉर्ट में दिखाया नाट मैंने नहीं द स्लाइटेस्ट मैंने बहुत ज्यादा सरप्राइज मैंने आश्चर्य यानी हल्का भी आश्चर्य जो है लेंचो ने नहीं दिखाया। अनसीन मैंने देख करके द मनी मैंने धन को देखकर रुपए को देखकर लेंचो ने थोड़ी भी आश्चर्य की भावना नहीं दिखाई। सच वाज दिस कॉन्फिडेंस यह उसका विश्वास था बट लेकिन ही बिकेम एंग्री लेकिन वो क्रोधित हो गया व्हेन जब ही काउंटेड द मनी जब उसने धन की गणना की धन को यानी रुपए को गिन लिया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक ईश्वर गलती नहीं कर सकते और ना ही कुड ही हैव डिनाइड वह इनकार कर सकते हैं मना कर सकते हैं ना ही वह मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जिसके लिए उसने प्रार्थना किया था। इमिडिएटली शीघ्र ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो लेंचो खिड़की के पास गया टू आस्क फॉर पेपर पेपर मांगने के लिए कागज मांगने के लिए एंडिंग और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल और सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर ही स्टार्टेड राइटिंग वह लिखना प्रारंभ कर दिया ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना प्रारंभ कर दिया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो अपनी तनी हुई भौहों के साथ कास्ट जो कारण थी बाय द एफर्ट उस प्रयास का जो ही हैड ए मेक ऑन एक्सप्रेस हिज आइडियाज जिससे कि वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा था उसका यह क्या थी परिणाम थी या कारण थी। फिर से देख लेंगे शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास गया पेपर और स्याही मांगा और सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर उसने लिखना प्रारंभ किया अपने तनी हुई भावों के साथ जो अपने विचारों को उसके प्रस्तुत करने का परिणाम थी या कारण थी। ही वेन ही फिनिश्ड जब उसने समाप्त कर लिया लिखना खत्म कर लिया तो ही वेंट टू द विंडो वह खिड़की के पास गया टू बाई ए स्टाम्प एक टिकट खरीदने के लिए विच जिसको ही लिख उसने अपने जीप से चाटा एंड और देन तब अफिक्स्ड टू द इनवेल्प लिफाफे पे चिपका दिया विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपनी मुट्ठी से ऐसे करके नहीं चिपकाया जाता है उस तरीके से। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स और द मोमेंट उसी क्षण द लेटर पत्र को फेल डाल दिया इन टू द मेल बॉक्स उस डाकखाने में द पोस्टमास्टर पोस्ट ऑफिस का मालिक वेंट टू ओपन इट इसे खोलने के लिए गया। इट सेड इसमें कहा गया था गॉड भगवान ऑफ द मनी धन दैट जिसको आई आस्क्ड मैंने मांगा था जिसके लिए मैंने मांग किया था ओनली 70 पीसोस मात्र 70 पीसोस ही पहुंचे हैं रिस्ट में मेरे पास पहुंचे हैं मात्र 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं सेंड मी मुझे भेज दीजिएगा द रेस्ट मैंने बचा हुआ धन सिंस आई नीड इट वेरी मच सिंस क्योंकि आई नीड इट वेरी मच मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बट लेकिन डोंट सेंड इट लेकिन इसे मत भेजिएगा टू मी मेरे लिए लेकिन इसे मेरे लिए मत भेजिएगा थ्रू द मेल डाकखाने से या पत्र से बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं डाकखाने के जो कर्मचारी हैं आर द बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों का एक समूह है लेंचो यही लिख करके उसने दोबारा पत्र डाला था। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है, इसलिए प्लीज कमेंट देना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।